क्लास 11th फिजिक्स। इसके पहले हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद डायमेंशंस भी पढ़े हैं। बहुत से फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उस आधारित न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया है, फॉर्मूला जाना है। अब मोशन पढ़ने के पहले हम लोग शुरू करेंगे कुछ जनरल फार्मूला जो आवश्यक है फिजिक्स में। इसी फार्मूला पर आधारित बहुत से आपको कैलकुलेशन मिलेंगे, ये बहुत ही आवश्यक है। तो जनरल फार्मूला में ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला और अलजेब्रिक फार्मूला, ये सारे जो छोटे छोटे फार्मूला है उसको देख लेना है। अब जो कैलकुलस का फार्मूला है जिसका यूज फिजिक्स में बहुत होता है, ऐसे मैथ के विद्यार्थी को तो कैलकुलस पढ़ना ही है, फिर भी अभी शुरू में नहीं पढ़ना है, और बायोलॉजी के बच्चे को नहीं पढ़ना है, उसके बावजूद उसको जानना भी है। फार्मूला बहुत आसान फार्मूला है, इसका एप्लीकेशन है। ये फार्मूला को जान जाएंगे तो बहुत ही इजी वे में फिजिक्स को याद कर सकते हैं। कैलकुलस के फार्मूला में पहले है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम अगर दिया जाए वेरिएशन, चेंजिंग, तो वही डिफरेंशिएशन होता है। जैसे मान लीजिए कैसे इसका यूज करते हैं, क्यों करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे एक ए बी लाइन है जिसका लेंथ मान लो सपोज करो एक्स है, इस लाइन को बहुत से छोटे छोटे टुकड़े में हम बांट सकते हैं। तो अगर इसके छोटे एक छोटे टुकड़े का हम लेंथ लेना होगा तो डीएक्स का लेंगे। इसी तरह बहुत से टुकड़े मिलकर के पूरे लाइन का, अर्थात टुकड़ों में बांटना, वह मैथमेटिकल रूप में डीएक्स को हम लोग इंडिकेट करेंगे, और डीएक्स से यह डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट, डिफरेंशिएशन को बताता है, अर्थात चेंजिंग हो रहा है इसके लाइन में, वेरिएशन जो हो रहा है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे। समझना है, कोई यह ऑथेंटिक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट के रूप में जनरल लेकर चलना है कि इसका यूज फिजिक्स में ऐसे इस पॉइंट पर होगा। अब जैसे मान लो हमको जनरल फार्मूला हम बता रहे हैं, एक है डिफरेंशिएशन, इसको पढ़ते हैं एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ऐसे लिखेंगे डी एक्स टू द पावर एन ओवर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला जो जनरल होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, अर्थात जो पावर होता है वह क्या होता है, एक बार गुना हो जाता है और उसके पावर में माइनस वन हो जाता है, बहुत ही इसी है। अब इसके एग्जाम्पल देकर इसका यूजेज बताते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो आपको दे दिया गया एक्स टू द पावर, ऐसे हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग एक्स टू द पावर टू विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख देते हैं इस रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डी एक्स पावर एन, टू कर दिए डी एक्स, मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। तो यह एक्स टू द पावर टू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो गया, तो इसका हो गया इसके। अब देखो यहां टू क्या है, एन के जगह पर क्या है, टू है, तो यहां लिख देंगे टू एक्स पावर टू माइनस वन। फिर उसी प्रकार अगर मान लो दूसरा हम बताते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेंगे थ्री एक्स थ्री माइनस वन, अर्थात यह हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। अर्थात इस फॉर्मूला का हम लोग ऐसे यूज करते हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं,
जैसे मान लो एक्स टू द पावर माइनस थ्री दे दिया गया डीएक्स, तो हम लिखेंगे माइनस थ्री एक्स, एन के जगह पर यहाँ माइनस थ्री है, और इस फॉर्मूला से देख लो माइनस थ्री माइनस वन अर्थात माइनस थ्री एक्स के पावर माइनस फोर। तो इस तरह हम लोग इस फॉर्मूला का यूज आगे आएगा आप निकाल सकते हो। यह पहला जनरल फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इस यह होता है कॉस एक्स के बराबर। यह जनरल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तीसरा हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम लोग माइनस साइन एक्स इसका होता है याद करेंगे। चौथा एक फॉर्मूला बता रहे हैं, जैसे मान लो दो कभी कभी क्वांटिटी आती है जिसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, उसका चेंजिंग किसी एक खास क्वांटिटी के साथ वेरिएशन होता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं। तो देखो जैसे मान लो हम मान लेते हैं यह यू और भी दो क्वांटिटी है का प्रोडक्ट है जिसको हम लोग एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, चेंजिंग करते हैं, वेरिएशन करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले वाले क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट कर दिए इसके रेस्पेक्ट में डीएक्स, और दूसरे क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दिए प्लस, फिर क्या करते हैं इस क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दिए और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए, ऐसे हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो हमारा एग्जांपल में है आपको देते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यह बराबर उसके आधार पर आप देखो यहाँ u के जगह पर क्या है साइन एक्स है, वी के जगह पर क्या है कॉस एक्स है, तो पहले दूसरे टर्म को कॉन्स्टेंट कर दिए और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसी प्रकार अब दूसरे टर्म को जो कॉस एक्स है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अब पहले वाले को कांस्टेंट कर देंगे साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो गया कॉस एक्स। अभी आपको साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताया है मैंने कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो एग्जाम्पल दिए हैं कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, इस आधार पर हम लोग अब निकाल सकते हैं। अब देखो एक चौथा बता रहे हैं कि अगर मान लो दिया हुआ है इफ एक्स बराबर डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है टी बराबर टाइम हो, और कहा जाए कि डिफ्रेंशिएटिंग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, तो पहले हम लोग लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी, अर्थात यह बता रहा है वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या ऐसे भी कह सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और आप जानते हो इसको हम लोग क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। अब देखो कैसे इतने बड़े फॉर्मूला का हम लोग एक शब्द में मैथमेटिक्स का यूज करके लिख दिया। आप जानते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया डिफ्रेंशिएट। ऐसे कहीं भी दिया रहेगा आगे आपको मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वेलोसिटी को ऐसे आप लिख सकते हैं, या ऐसा डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग टाइम के साथ लिखा हो तो आप उसके जगह पर वेलोसिटी लिख सकते हैं। एक और चीज बताते हैं कि इफ सपोज करो वी बराबर वेलोसिटी दिया है, टी बराबर टाइम दिया है,
तो आप को कहा जाए कि डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी भी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, तो आप क्या लिखोगे डी वी ओवर डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको पढ़ेंगे। और आप जानते हो इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अर्थात इस प्रकार आप मैथमेटिक्स का यूज करके निकाल सकते हैं, कभी भी किसी चीज का यूज करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे एक मान लो, अब एग्जाम्पल के तौर पर आएगा आपको फिजिक्स में कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन देते हैं इसी पर। सपोज करो क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवेन बाई एक्स बराबर 3x² 2x + 1, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैंने एक अपने मन से सवाल दिए हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इतना दिया हो तो आपसे ये कह रहा है कि वेलोसिटी को प्राप्त कीजिए पार्टिकल का। तो देखो आपको मैंने अभी बताया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा नहीं नहीं 3t² 3 2t ऐसे दिया, सॉरी यह 3t² है। तो अब देखो टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। अब आंसर में इसको लिखते हैं डिफरेंस वेलोसिटी निकाल रहे, तो v बराबर हम क्या लिखेंगे dx/dt, तो v बराबर dx/dt, तो d के x के जगह पर इतना हम लिख देंगे अर्थात 3t² 2t + 1 / dt। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम कर रहे हैं टाइम के साथ, तब देखिए 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यह हो जाएगा dt² / dt प्लस 2 इसमें बाहर हो जाएगा dt / dt प्लस 1 है कांस्टेंट है dt। देखिए यहां जो हम अलग किए हैं x का वैल्यू पुट अप करके 3t² + 2t + 1 को, तो 3 देखो नीचे वेरिएशन में क्या है, समय t है, तो ऊपर वाले क्वांटिटी अगर t है तो वह उसके साथ डिफरेंशिएट होगा, उसका चेंजिंग होगा, इसलिए कांस्टेंट को बाहर कर दिया। कांस्टेंट का यह ध्यान रहे डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यह हो गया इस फॉर्मूला पर यह टूटेगा जो d अभी आपको हमने बताया था dx^n विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो उस पर यह टूटेगा, तो आप लिखोगे t^(2-1) चूंकि हमने फॉर्मूला में बताया n x n^-1, तो मैंने लिख दिया उस आधार पर, उसी प्रकार यह क्या होगा 1 हो जाएगा dt/dt, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यह हो गया 6, यह हो गया क्या t, यह क्या हो गया 2। तो इस तरह वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको इतना है, आगे और बताएंगे एग्जाम्पल देकर सवाल, आप बनाइएगा बहुत ईजी वे से।